हरियाणा सरकार के सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर एवं गायक गीतकार रॉकी मित्तल द्वारा भाजपा सरकार की उपलब्धियां व कार्य प्रणाली पर गीतों से सरोवर कैसेट शनिवार को इंद्री में राज्य मंत्री करण देव कंबोज के कार्यालय रामगढ़ छात्रों में लॉन्च की गई। राज्य मंत्री करण देव कंबोज ने कहा कि रॉकी मित्तल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों व कार्यक्रम पर गीत तैयार किए गए हैं। यह गीत जनता में भाजपा सरकार के जनहितैषी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रॉकी मित्तल ना भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर तो गीत तैयार किए हैं, वह लोगों के दिल को झिझोकर कर देंगे। रॉकी मित्तल का यह गाना लोगों ने मन में खूब भाया। सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर ठुमके लगाए और मंत्री करण देव कंबोज भी कार्यकर्ताओं के बीच में गाने पर नाचे। सारे विरोधी मनोहर लाल ने रगड़ रगड़ के धोए, हुड्डा चटाला बैठ कुण में माथा पकड़ के रोई। अभी एक हमारे संसदीय सचिव है दिलूराम बाजीगर जी, उसने बोला कि गलत है। मैंने बोला यार, इतनी बुरी हार होने के बाद, चाहे कांग्रेस की हार थी, इनेलो की थी, जेजेपी की थी, इतनी बुरी हार के बाद भी यदि नहीं रोते तो बड़ी बेशर्मी की बात है। और मैं ये गाना मंत्री जी के यहाँ पे ऑफिस में करने वाला था रिलीज, तो मंत्री जी ने बोला कि नहीं, आज तक तो बड़े बड़े ऑफिसों में होता है, तो अब की बार पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर गाना रिलीज होना चाहिए।